रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में कैसे टॉप कर सकते हो। यदि आप टेंथ का स्टूडेंट हो या ट्वेल्थ का स्टूडेंट हो, यदि आप इस फंडा से पढ़ते हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में, वो भी अगस्त से पढ़कर, आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को क्या ट्रिक लिखा हुआ है कि कुछ ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, अर्थात अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में कैसे टॉप किया जाता है, इसके लिए हमने कुछ ट्रिक बनाया है। तो चलिए हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि 20-80 फार्मूला, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप होना है तो आपको इस फार्मूला को अपनाना पड़ेगा। उस फार्मूला का नाम है 20-80 फार्मूला। फ्रेंड्स, 20-80 फार्मूला क्या होता है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि आपके सिलेबस में 20% ऐसे पढ़ाई होंगे जो आपको 80% रिजल्ट्स देते होंगे। ये तो रियलिटी बात है कि आपके सिलेबस में 20% ऐसे क्वेश्चंस होंगे, यानी ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देते होंगे। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे पहले उससे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। किसे? जो आपके 20% सिलेबस है वो आपको यदि 80% टर्न दे रही है तो सबसे पहले वो करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले उसे पढ़ना है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को समझते हैं। नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है कि फिनिश टॉप टॉपिक्स फर्स्ट। इसका हिंदी मतलब होता है कि पहले कठिन विषयों को समाप्त करें। अर्थात आपके सिलेबस में जितने कठिन सब्जेक्ट है पहले आप उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि आसान सब्जेक्ट आसान लगने लगे। अर्थात आपको जो भी कठिन सब्जेक्ट लग रहा है, यानी टॉपिक लग रहा है, तो सबसे पहले आप उसे पढ़िए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है कि मेक ए टारगेट एंड ट्रैक इट। इसका हिंदी मतलब होता है कि एक लक्ष्य बनाए और उसे ट्रैक करें। अर्थात आप हर महीने में एक पढ़ाई का टारगेट बनाए और उसे महीने दर महीने ट्रैक करने की कोशिश करें। यानी एक महीने का आप शेड्यूल तैयार कर लीजिए कि मुझे इतना कुछ पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है गेट एक्सपर्ट एडवाइस। इसका मतलब होता है कि विशेषज्ञ की सलाह। अर्थात आपको शुरुआत में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको काफी कठिन लगता होगा, इसमें आप ज्यादा माइंड नहीं लगाइए, बल्कि आप किसी एक्सपर्ट से मिलिए, यानी सलाहकार से मिलिए, अर्थात एक अच्छे टीचर से मिलिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको आसान लगने लगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हो तो आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है कि परीक्षा 500 मार्क्स के होते हैं, अर्थात आपके जो एग्जाम होते हैं ना वो 500 मार्क्स के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि कंपलसरी सब्जेक्ट। अर्थात कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य सब्जेक्ट। यदि आप ट्वेल्थ में हो, टेंथ में हो, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके अनिवार्य होता है, उसे लेना काफी जरूरी होता है। जरूरी ही होता है, लेना जरूरी नहीं बल्कि लेना ही पड़ता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट में कौन कौन होता है, तो सबसे पहले हिंदी होता है और उसके बाद इंग्लिश होता है। देखिए, हिंदी भी 100 मार्क्स की होती है और इंग्लिश भी 100 मार्क्स की होती है। और सवाल ये उठता है कि हमें हिंदी पर कितना समय देना होगा और इंग्लिश पर कितना समय देना होगा, ताकि हम बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको हिंदी मिनिमम 30 मिनट पढ़ना है। कितना पढ़ना है? कम से कम 30 मिनट पढ़ना है। यदि आपके पास समय है तो आप 45 मिनट भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश कितना देर पढ़ना है? तो इसका कम से कम 1 घंटा पढ़ना है। कितना पढ़ना है? कम से कम 1 आवर्स पढ़ना है। यदि आपके पास समय है तो आप 1.5 घंटा भी कर सकते हो। यदि जिसकी इंग्लिश वीक है तो वो 1.5 घंटा भी पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट। अर्थात इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है निर्वाचित सब्जेक्ट, जिसे हम ऐच्छिक सब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी जिसको चुनना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात जो निर्वाचित सब्जेक्ट होते हैं, वो 300 मार्क्स के होते हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ट्वेल्थ में हो, आर्ट्स स्ट्रीम लिए हो, तो उसमें आपको 3 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल ले सकते हो, जियोग्राफी ले सकते हो। यदि आप साइंस लिए हो तो बायोलॉजी ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो,
सकते, कुछ भी नहीं सकते हो। चलिए अभी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस इतिहास के जगह पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सिर्फ आप इससे हिम्स ले सकते हैं, इसे अपनाना नहीं है बल्कि इससे हिम्स लेकर आपको तैयारी करना है। माना कि हमने इतिहास का एक एग्जाम्पल ले लिया है, आपका जो भी एग्जाम्पल है आप इसी ट्रिक से पढ़िएगा, आप टॉप कर सकते हैं। देखिए आपको जो हिस्ट्री है आपकी, अर्थात जो इलेक्टिव सब्जेक्ट थ्री होती है, अर्थात हम आपको मान के चल रहे हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप तीन को लिए हैं, एक इतिहास है, एक गणित है, एक राजनीति शास्त्र है, आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ऐसे किए हैं। देखिए आपको इतिहास कितना देर पढ़ना है, तो आपको डेढ़ घंटा पढ़ना है। कितना? देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम आपको हिस्ट्री डेढ़ घंटा पढ़ना है। उसके बाद जो गणित होती है ना, यदि आप पॉलिटिकल भी है, जियोग्राफी भी है, तो आप डेढ़ घंटा पढ़िएगा। लेकिन जो मैथ होती है ना, उसे कम से कम आप दो घंटा पढ़िएगा, कम से कम दो घंटा, लेकिन मैक्सिमम आप दो घंटा से कम नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आप टॉप नहीं कर सकते हैं। दो घंटा तीन घंटा ऐसे पढ़िएगा। उसके बाद फिर यदि राजनीति शास्त्र आपके तीन को सब्जेक्ट में, उसको भी आप डेढ़ घंटा पढ़िएगा, कम से कम डेढ़ घंटा। यदि आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है कि सप्ताह, अर्थात एक सप्ताह का शेड्यूल कैसा रखना चाहिए। देखिए हम समझते हैं, सोमवार से शनिवार तक के लिए, अर्थात जो ये शेड्यूल बनाया गया है ना, वो आपको सोमवार से शनिवार तक फॉलो करना है। अर्थात सोमवार से शनिवार को हिंदी आधा घंटा पढ़ना है, इंग्लिश एक घंटा पढ़ना है, हिस्ट्री डेढ़ घंटा पढ़ना है, गणित दो घंटा पढ़ना है, राजनीति शास्त्र डेढ़ घंटा पढ़ना है। कब से कब तक? सोमवार से शनिवार तक। ये हो गया एक वीक का शेड्यूल। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है कि रविवार को रिविजन करें, अर्थात अपने एक सप्ताह में जितने कुछ पढ़ाई किए हो उसको रविवार को, उस सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाना है बल्कि उसी को रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? उसी को दोबारा रिपीट करना। देखिए यदि आप एक सप्ताह के जितने पढ़ चुके हो उसको फिर से दोबारा पढ़ना है, अर्थात आपको रविवार को सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाना है, जो अपने आप से जो कमिटमेंट किए हैं उसे आगे नहीं बढ़ाना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है कि महीने के तीन दिन पहले पूरे का रिवीजन करें, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक महीने में जितने पढ़ाई की हो, अर्थात अभी अगस्त चल रहा है, अर्थात आपको सितंबर से आने से तीन दिन पहले आपको फिर नहीं सिलेबस आगे बढ़ाना है। क्या जो आप पहले कर रहे थे कि आपको संडे के संडे पूरे का रिवीजन करना है, वो तो करना ही है, लेकिन फिर आपको जैसे 28, 29, 30 तारीख को आपको सिलेबस आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन तो करना क्या है, तो आपको पूरे का रिवीजन करना है। अर्थात आपने जितने महीने में पढ़ाई की है ना, आपको तीन दिन में पूरे का रिवीजन कर जाइए, अर्थात रिपीट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो 10 बुक्स को पढ़ते हैं, बल्कि वो एक ही बुक्स को 10 बार पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक लिखा गया है, आप तो ये समझ गए कि आपको महीने के 28, 29, 30 तीन दिन आपको सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाना है बल्कि उसी को फिर से रिपीट करना है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है डी से जे तक। इसका मतलब क्या हुआ? डी से जे तक ही कौन सी ट्रिक है? देखिए फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपको फिर सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाना है बल्कि दिसंबर आने से पहले आपको पूरे सिलेबस को खत्म कर देना है। लेकिन फिर दिसंबर से जनवरी तक क्या करना है? तो आपको दिसंबर से जनवरी तक क्या करना है मालूम है? आपको पूरे का रिविजन करना है, अर्थात आपने जितने कुछ पढ़ लिए हो आप सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। यानी आप जितने कुछ दिसंबर से जनवरी तक पढ़े हो आप सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए, न कि बल्कि आप सिलेबस को आगे बढ़ाइए। कोशिश कीजिएगा कि आप दिसंबर तक पूरे सिलेबस को खत्म कर दें। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में रियल में 450 मार्क्स 460 मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्या? कि आपको दिसंबर से पहले पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से खत्म कर देना पड़ेगा, ठीक है? अर्थात दिसंबर से जनवरी तक मुझे क्या करना है? रिवीजन करना है, पूरे का रिवीजन करना है। फ्रेंड्स, विराट कोहली से पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय एक शब्द में लिखो, तो क्या लिखा था मालूम है? वो प्रैक्टिस लिखा था। ऐसे ही बिल गेट्स से पूछा गया तो क्या लिखा था? वो भी प्रैक्टिस लिखा था। अर्थात यदि आप रिवीजन करते रहोगे ना, तो आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। रिवीजन किया तो अपना, नहीं तो सपना। अर्थात देखिए, आप पढ़ाई कम कीजिए लेकिन रिवीजन ज्यादा कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाए गए इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में 110% कंफर्म है कि आप टॉप कर सकते हैं। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। और उम्मीद भी करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।